रामायण काल के 10 ऐसे पुख्ता सबूत जिन्हें देखकर आपको भी यह यकीन हो जाएगा कि हाँ सच में भारत की पवित्र धरती पर रामायण की कथा घटित हो चुकी है। दोस्तों, हम सभी ने अपने बचपन से लेकर अब तक रामायण तो कई बार देखी होगी। यह एक ऐसा सीरियल था जो आज तक का सबसे ज्यादा बार देखा जाने वाला सीरियल बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि हमारी धरती पर आज भी रामायण के ऐसे कई पुख्ता सबूत मिलते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि हाँ भाई, सच में भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया था और माया भी राक्षस का वध किया था। तो दोस्तों, आज के इस रहस्यमय वीडियो में हम आपको रामायण काल के 10 ऐसे पुख्ता सबूत दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी हमारी प्राचीन संस्कृति पर बिलीव करोगे। तो चलिए थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं और जान लेते हैं रामायण काल के 10 पुख्ता सबूतों के बारे में। नंबर 1, रामायण के हिसाब से जब माता सीता का हरण हुआ था, जिसके बाद माता सीता की खोज शुरू हो गई थी और इसी बीच राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई और इसके बाद हनुमान जी हर दिन की सुबह भगवान राम की एक जगह प्रतीक्षा किया करते थे और आज उस जगह को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है और आज उस जगह पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी स्थित है। नंबर 2, दोस्तों, रामायण की यह एक बात तो आपको याद होगी, जब हनुमान जी माता सीता की खोज कर रहे थे और माता को खोजते खोजते वह लंका पहुंच गए और यहां पहुंचकर एक घटना के कारण उन्हें अपना विशाल रूप धारण करना पड़ा और इस वजह से उनके पैरों के निशान वहां जमीन पर बिछे पत्थरों पर जम गए और आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान श्रीलंका में बिछे हुए पत्थरों पर पाए जाते हैं। नंबर 3, जब रावण माता सीता को लंका में लेकर गया था तो अशोक वाटिका में ले जाने से पहले माता सीता को रावण एक रहस्यमय गुफा में ले गया था और वह गुफा आज भी वहीं पर मौजूद है, जो देखने में एक सांप के आकार जैसी दिखाई देती है। और अगर आज आप उस गुफा में जाओगे तो आपको यह यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई, सच में रामायण की कथा कोई काल्पनिक नहीं है। नंबर 4, जब भगवान राम को माता सीता के बारे में पता चला कि वह रावण की लंका में कैद हैं, तो वह हनुमान जी और बाकी सेना के साथ लंका की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में विशाल समुद्र को देखकर वह रास्ते में रुक गए। इसके बाद वानर सेना ने समुद्र के किनारे पड़े पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखकर उन्हें पानी में फेंकने लगे, तब वह सारे पत्थर पानी में तैरने लगे, जिसके बाद वानर सेना उन पत्थरों से विशाल समुद्र में पुल बनाकर लंका पहुंची, जिस पुल को आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। नंबर 5, जिन पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हुआ था, वह पत्थर आज भी वहीं उसी जगह पर मौजूद हैं और जब इन पत्थरों पर रिसर्च की गई तो पता चला यह पत्थर रामायण काल के ही हैं। नंबर 6, रामायण के युद्ध में जब मेघनाद के द्वारा किए हुए प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब उन्हें जीवित करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए, लेकिन बूटी ना पहचान पाने के चक्कर में हनुमान जी वह पूरा का पूरा पहाड़ी उठाकर ले आए थे और जो संजीवनी बूटी का पहाड़ हनुमान जी लंका लेकर आए थे वह एक बहुत बड़ा पहाड़ था और आज उस पहाड़ को द्रोणगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है और आज भी वह पहाड़ श्रीलंका में मौजूद है। और जब इस पहाड़ पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी तो उन्हें वही जड़ी बूटियां मिली जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती हैं। नंबर 7, दोस्तों, जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब पक्षीराज जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस मायावी रावण ने जटायु के पर काट दिए थे, जिससे मूर्छित होकर जटायु धरती पर गिर पड़े थे और जिस स्थान पर पक्षीराज जटायु गिरे थे, आज उस स्थान को लेपाक्षी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आज भी ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जो आपको बताएंगे कि सच में जटायु इसी स्थान पर गिरे थे। नंबर 8, जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया तो वह माता को लंका के महल में ले जाना चाहता था, लेकिन माता सीता ने मना कर दिया और इसलिए रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा और जिस स्थान पर माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अशोक वाटिका का वह वृक्ष आज भी उस स्थान पर मौजूद है। नंबर 9, कहा जाता है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े हाथियों से कराता था और श्रीलंका में ऐसे कई बड़े बड़े हाथियों के जीवाश्म मिले हैं जिन्हें देखकर आपको यह यकीन हो जाएगा कि हाँ, सच में रामायण की घटना इसी स्थान पर हुई थी। नंबर 10, जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से
पूरी की पूरी लंका जला डाली थी, जिससे वहाँ की जमीन ही काली हो गई थी। और श्रीलंका में आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि आज से कई सालों पहले यहाँ पर बहुत भयंकर आग लगी थी। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे पुख्ता सबूत जो आपको बताते हैं कि रामायण का वर्णन कोई मिथ नहीं है, बल्कि यह रियल घटना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रहस्यमय घटना के साथ। तब तक के लिए